आपके अपने फेवरेट पसंदीदा शो में, वो जी जिसका नाम है धर्मन तड़का। जी हाँ, धर्मन तड़का में आपका लवेबल होस्ट, क्या प्यारा होस्ट आपका, शेफ हरपाल सिंह सोखी आप सभी को स्वागत करता है। वाह, और इस स्वागत के साथ साथ कुछ बढ़िया चीजें लेके आया हूँ। आपने कभी बालूशाही सुना है? नहीं सुना? वो यार खाया तो होगा कभी। अच्छा, वैसे खाया होगा ना, जब वो मीठे में खाया होगा। मैं यहाँ पे बालूशाही बना रहा हूँ, वो जी स्टार्टर में। आप इसको बढ़िया चटनी के साथ खाएं, डेढ़ चटनी के साथ। वो जी सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक डो बना लेते, बालूशाही का डो, वो बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे साथ साथ घी को यहाँ पे, ये मैंने पहले से कढ़ाई में डाल रखा है, इसको धीमी आंच पे गर्म करने रख देता हूँ। तो यहाँ पे है ये डेढ़ कप मैदा, यहाँ पे हिसाब बिल्कुल एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाना आप। ये डेढ़ कप मैदा, बिल्कुल एक चौथाई टीस्पून छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ये डाल दिया जी इसमें, ये लीजिए, और छान लें इसको बढ़िया तरीके से। और इसमें दही, छः चम्मच बड़े दही ये लीजिए, और साथ ही साथ घी ये लीजिए, एक दो तीन, और ये चार चम्मच घी। अब क्या करना है, इसको मिला लेना है, और इसमें थोड़ी सी एनर्जी, नमक शमक, बस जी इतना ही। अब इसका हमें डो बना लेना है, बढ़िया तरीके से एक डो बना लें, ये पूरा सूखा, ओहो, ये लेके इसको मैं थोड़ा सा गीला कर लेता हूँ, गीला नहीं है, ये लीजिए, ये मलमल के कपड़े को ये रख दिया इसके ऊपर, और इसको लगभग 20 से 25 मिनट तक रेस्ट करने दें। तब तक क्या करना है, ये है मेरे पास बढ़िया पनीर, ये इसको काट लेते हैं बिल्कुल बारीक। ये काटने के बाद इसके बारीक लच्छे काट लें, बढ़िया लच्छे काट लिए हमने, इन सब को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लो जी, हेलो जी, छोटे छोटे क्यूब्स, उन की करना जी, उन, ये पनीर को इसमें ले लिया, उन की करना है, ओ जी कुछ नहीं करना जी, थोड़ा थोड़ा मसाला पा देना है, हेलो जी, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ठीक है जी, और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, ये डाल दिया, और इसको मिला लेते हैं। हाँ हाँ, सभी चीज़ों को मिला लिया, ताकि पनीर जो है वो भी थोड़ा मसालेदार बन जाए, ठीक है। यहाँ पे ये बालूशाही है ना, जो उसकी डो मैंने जो रेस्ट करने रखी थी वो ले ली, और इसको इस तरह से फैला लें, ये जो पनीर हमने बनाया था इसमें डाल दिया, हेलो, इसका जो सिरा होता है ना वो बंद करना है। वो बंद कैसे करना है, ऐसे खींच खींच के ये, फिर इसको घुमा लें और इसके सिरे को बंद कर लें। अच्छा, अब क्या करना, अब इसको इस तरह से करके ये लीजिए, ये बालूशाही का जो आकार होता ना वो, ये बालूशाही का आकार तैयार, और इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इनको धीमी आंच पे इस तरह से पकाएंगे। हाँ हाँ हाँ, इसको मैं पलट लेता हूँ, बिल्कुल सुनहरा होने तक पकाना है, धीमी आंच पे ही पकाएं, जैसे फ्लोट करने लगेंगे ये बालूशाही, आंच बढ़ा दें ताकि ऊपर से फिर क्रिस्प हो जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और फ्राई करेंगे घी में, मज़ा तो तभी आएगा जी। ये देखिए बालूशाही बढ़िया अभी पक गए हैं,
बिल्कुल क्रिस्प हो रहे हैं। अब दोनों तरफ से बढ़िया ये तैयार है बालूशाही, इसको मैं ये प्लेट में निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए एक टिश्यू पेपर पे निकाल लिया। अच्छा, वैसे तो जब आप बालूशाही बनाते हैं तो क्या करते हैं, निकालने के उपरांत आप शक्कर के पानी में डालते हैं, लेकिन मैंने इसका नया तरीका निकाला। ये देखिए, हाँ हाँ, ये लिया बालूशाही और इसको हल्का सा प्रेस कर दिया मैंने। ये देखिए, ये प्रेस करने के बाद ये रख दिया बालूशाही इसमें और ये चटनी। ओ हो जी, कुछ ना पूछो। ओ जी, ये चटनी ले ली और ये इसके ऊपर डाल दी, थोड़ा सा धनिया डाल लिया। आहा, स्वादिष्ट, मजा आ जाएगा जी। पनीर बालूशाही बनाए ऐसे ही। ओ जी, हुन कोई टेंशन ना लो, तुसी डिश देख लिए, हुन की करोगे भाई, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लो, ते रीकैप देख लो, मैं जाके दूसरी रेसिपी दे इंग्रेडिएंट्स लेके आऊंगा जी, वो तब तक इधर मजा लो। पनीर बालूशाही विद डेट चटनी। सामग्री 100 ग्राम पनीर, 1.5 कप मैदा, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 4 बड़े चम्मच घी, तलने के लिए घी, 6 बड़े चम्मच दही, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 2 बड़े चम्मच खजूर और इमली की चटनी, हरा धनिया सजाने के लिए। इसे बनाने के लिए घी को धीमी आंच पर एक कढ़ाई में गरम कर लीजिए। एक परात में मैदा और बेकिंग सोडा छान लीजिए। दही, 4 बड़े चम्मच घी और नमक डालकर सॉफ्ट डो गूंद लीजिए। मलमल के कपड़े को थोड़ा गीला करके गूंदे हुए डो पर 20 से 25 मिनट तक रख दीजिए। पनीर को क्यूब्स में काट कर एक बाउल में निकाल लीजिए। इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और आमचूर पाउडर डालकर मिला लीजिए। डो के छोटे पेड़े बनाकर उनमें पनीर का मिश्रण स्टफ कर दीजिए। बालूशाही का आकार देकर गरम घी में कुरकुरा और सुनहरा होने तक धीमी आंच पर पका लीजिए। टिश्यू पेपर पर निकाल कर हल्का प्रेस कर लीजिए। खजूर और इमली की चटनी और हरे धनिये से सजा कर सर्व कीजिए।